Hi guys, very good to see you all here. Good to see you guys. We're going to be talking about a very unconventional college जो आपने generally शायद probably सुना भी नहीं होगा अभी तक, which is Dr. B. R. Ambedkar Law School, Mumbai. So a lot of you, I'm assuming, would be appearing for MHCET this year. है ना, काफी लोग MHCET के लिए appear करोगे. So I will be doing a session on B. R. Ambedkar Law School जो आपको MHCET के थ्रू ही मिलता है, ठीक है. यू गेट इट थ्रू MHCET ओनली. तो वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ डिस्कशन अराउंड दैट कि व्हाट दिस कॉलेज गॉट टू ऑफर टू अस. बिकॉज जनरली जब हम MHCET की बात करते हैं तो वी ओनली टॉक अबाउट इधर GLC और ILS, विच अनडाउटेडली आर वेरी गुड कॉलेजेस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम बी आर अम्बेडकर लॉ स्कूल में कैसे जा सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, कितने हमें मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे. विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट. हाँ, आई वुड सजेस्ट GLC ओवर ILS. मेरा सजेशन डेफिनेटली रहेगा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ओवर ILS. बट कभी कभी क्या होता है कि MHCET का कट ऑफ काफी हाई जाता है, तो हमको यही नहीं पता कि वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर के कॉलेज कौन से जो हमको लेने चाहिए. सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज वन ऑफ द टॉप 5 कॉलेजेस जो आप कंसिडर कर सकते हो, एंड आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग हेयर अबाउट दैट. ठीक है, आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. सो यहाँ पर डेफिनेटली GLC इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट चॉइस, ILS इज गोइंग टू बी अ सेकेंड चॉइस, एंड उसके अलावा बी आर अम्बेडकर की और हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में. तो चलो फिर क्विकली स्टार्टिंग विद दिस. आई थिंक जो भी लोग क्लैट के लिए आगे प्रिपेयर करना चाहते हैं, CLAT 24 के लिए, सन अकेडमी हैज ब्रॉट एन ऑफर फॉर यू, वेर इफ यू टेक अ 12 मंथ सब्सक्रिप्शन यू गेट 2 मंथ एक्स्ट्रा फ्री, ठीक है. और 6 मंथ में भी आपको ये मिल जाएगा, 2 मंथ के आसपास आपको फ्री मिल जाएगा. तो आप डेफिनेटली कॉमेंट बॉक्स में, सॉरी सब्सक्रिप्शन में, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के. अपना जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हो ना, उसमें आपको दिख जाएगा केशव लाइव मेरा कोड है, यूज इट टू गेट अप टू 35% ऑफ, है ना. अदर देन दैट, यहाँ पर अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, यू गेट 2 मंथ्स क्लैट का एक्सटेंशन और आपको 2 मंथ का CBSE का भी कॉम्बो मिलेगा. तो जो लोग 12th स्टैंडर्ड में है ना, उनके लिए काफी फायदेमंद है कि आपको CBSE के साथ में कॉम्बो मिलेगा. तो यू कैन वॉच सम क्लासेस इफ यू नीड देम, ठीक है. वो क्लासेस चाहिए तो आप वो भी कॉम्बो देख सकते हो. उसके अलावा दिस इज अ न्यू बैच दैट वी रिसेंटली स्टार्टेड, ठीक है. अनअकैडमी हैज टू काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शंस, एक है आइकॉनिक. आइकॉनिक में यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द क्लासेस ऑन अनअकैडमी. यू विल आल्सो गेट एक्सेस टू ऑल द फिजिकल मटेरियल जो अनअकैडमी आपके घर पे भेजेगा, है ना. यू विल आल्सो गेट एक्सेस टू अ मेंटर हु वुड कीप गाइडिंग यू रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी. एंड अगर हम प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो प्लस सब्सक्रिप्शन में यू गेट एक्सेस टू ऑल द क्लासेस. तो आपको जो भी सब्सक्रिप्शन आपके लिए ठीक लगता है वो आप ले सकते हो. सब में आप केशव लाइव कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट लोगे. अभी अप टू 35% ऑफ चल रहा है, ठीक है. तो यू कैन डेफिनेटली अवेल दिस. उसके अलावा दीज आर सम ऑफ आर टॉपर्स. तो साहिल गुप्ता गॉट एन ऑल इंडिया रैंक 2 इन CLAT 23. सो अन अकेडमी गेव हिम 10 टाइम्स ऑफ हिज अन अकेडमीज फीस, विच इज रफली 2,28,000 रुपीज. तो ये रिवॉर्ड आप भी अगले साल ले सकते हो इफ यू परफॉर्म रियली वेल. अगर आप टॉप 100 में आओगे तो आपको काफी सारे रिवॉर्ड यहाँ से मिलेंगे. कोमल गढ़वाल ऑल इंडिया 96, प्रत्युष ऑल इंडिया 37, बोथ ऑफ देम गॉट 50,000 रुपीज ईच. सो एक तरह से हमारी फीस तो कवर हो ही जाएगी, है ना, अगर हम टॉप 100 में आएंगे तो. किसी तरह से इनफैक्ट ज्यादा ही मिल जाएंगे उससे. तो इसीलिए यू गैस कैन सिक्योर दिस सब्सक्रिप्शन, स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्रॉपरली इफ यू लुकिंग टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. एंड दिस इज द एस लॉ एग्जाम जो कि MHCET, LSAT और SLAT के लिए यूट्यूब सीरीज है, विच इज लाइक अ बैच ऑन यूट्यूब. तो आप लोग करंट अफेयर्स और जीके के लिए मेरी क्लासेस में आ सकते हो, एंड रेस्ट ऑफ द अदर टीचर्स आर आल्सो हियर टू गाइड यू फॉर द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, ठीक है. तो आप लोग ये इसका यूज कर सकते हो काफी ज्यादा. तो देखो, दिस इज द बी आर अम्बेडकर लॉ स्कूल, है ना. ये आपको बिल्डिंग दिख रही होगी. इट इज इन दिस प्लेस कॉल्ड वडाला इन मुंबई. नाउ वडाला के बारे में आपने जनरली, वो शूट आउट एट वडाला एक मूवी आई थी, वहां से सुना होगा इसका नाम. तो ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है. वडाला की अच्छी बात ये है कि वडाला साउथ मुंबई में है, ठीक है, इट इन साउथ मुंबई. तो साउथ मुंबई में व्हाट इज द एडवांटेज, यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा ये है कि कोर्ट्स बहुत पास में है सारे. तो आप अगर ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम ऑल्सो अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो ना, इफ यू वॉन्ट टू डू एनी ऑफ योर इंटर्नशिप्स, देन इट इज क्वाइट, यू कुड से कन्वीनियंट. बिकॉज अगर आपका कॉलेज कहीं दूसरी सिटी में ही है, मुंबई में नहीं है मान लो, या दिल्ली में नहीं है, आपको बड़ी सिटी में नहीं है, और फिर आपका कॉलेज उसी सिटी में भी काफी दूर है. जैसे मुंबई में अगर आपको एक साइड ट्रैवल करने में 1.5-2 घंटा लग रहा है, विच इज वेरी नॉर्मल फॉर अ सिटी लाइक मुंबई, तो फिर वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है. तो वडाला से ये है कि इट्स आई थिंक 20 to 30 मिनट्स का टाइम लगता है, 20 से 30 मिनट का टाइम लगता है टू रीच टू द पार्ट्स वेयर, जहां पर कोर्ट्स है.
तो ये काफी ज्यादा आपके लिए आई थिंक हेल्पफुल हो जाएगा. यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप. ठीक है, जीएलसी भी साउथ, जीएलसी तो और भी ज्यादा साउथ है ना. जीएलसी इज डेफिनेटली योर फर्स्ट चॉइस, वो हमेशा फर्स्ट चॉइस ही होनी चाहिए बिकॉज वो तो और भी साउथ में है. बट इन केस वी डोंट गेट जीएलसी मान लो, तो फिर दिस ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड. तो देखो ये दिस इज दी बेसिक, ये साइड से फोटो है, ये सामने से दी, ये साइड से ही फोटो है ना. तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो एमएचसीटी देने के बाद में. एंड ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, लोकेशन इसका मुंबई है, एमएचसीटी के थ्रू ये मिलता है. इसका 5 ईयर लॉ कोर्स थोड़ा नया है, इसमें 3 ईयर लॉ कोर्स काफी टाइम से चल रहा है. ठीक है, 5 ईयर कोर्स थोड़ा नया प्रोग्राम है और 240 के आसपास सीट्स हैं. आइडियल स्कोर इज गोइंग टू बी 105 टू 110 आउट ऑफ 150. अगर आपको इस कॉलेज में जाना है तो ये आपका आइडियली स्कोर होना चाहिए. तो जनरली अगर आप एमएचसीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जीएलसी इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट चॉइस, आईएलएस इज गोइंग टू बी योर सेकंड चॉइस. देन देयर आर सर्टेन कॉलेजेस इन मुंबई लाइक से मीठीबाई, एंड मीठीबाई इज जनरली द पीपल थर्ड चॉइस. एंड देन उसके बाद में देयर इज अनदर कॉलेज कॉल्ड भारतीय विद्यापीठ जो भी पुणे में. ये लोगों के जनरली 4 ऑप्शन रहते हैं. इसके बाद में अगर आप कोई ऑप्शन चूज करना चाहते हो तो बी आर अम्बेडकर को भी कंसिडर कर सकते हो. राइट, अब यहाँ पर प्लेसमेंट्स का सीन बहुत सॉर्टेड अभी फिलहाल नहीं है ना. प्लेसमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज 5 ईयर लॉ कोर्स थोड़ा नया प्रोग्राम है, तो 5 ईयर लॉ कोर्स में प्लेसमेंट आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल फॉर देम राइट नाउ. बट वॉट यू गाइस, एज आई टोल्ड यू ना, इसका प्रॉक्सिमिटी बहुत है. इट इज इन दिस प्लेस कॉल्ड वडाला इन मुंबई. तो वडाला काफी पास में है कोर्ट से, तो इट्स लाइक अ 20 टू 30 मिनट्स का राइड है. तो वो आपको मतलब कोर्ट्स काफी पास पड़ जाएंगे, तो आप काफी सारे इंटर्नशिप कर सकते हो. एंड नॉट जस्ट कोर्ट्स, आपको ना सारी लॉ फर्म भी पास में पड़ेंगी, आपको सारी लॉ फर्म्स भी यहाँ से काफी पास में पड़ेंगी. तो अगर आपकी इंटर्नशिप आप ठीक से सिक्योर कर पाते हो तो इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू. बिकॉज देखो जनरली क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ. एनएलयूज वालों को प्रेफरेंस दी जाती है फॉर इंटर्नशिप्स, लेकिन एनएलयूज वालों का प्रॉब्लम क्या है कि वो अलग अलग सिटीज में होते हैं, अपने अपने कॉलेज की सिटी में. तो जैसे मान लो कि उनकी छुट्टियां होती है मई और जून में. ठीक है, मई और जून में उनकी एक बार छुट्टी होती है और सेकेंड सेट ऑफ छुट्टी उनकी होती है नवंबर और दिसंबर में. तो ये 4 महीने आपको जनरली ज्यादा एनएलयूज वाले दिखेंगे, लेकिन जो रिमेनिंग 8 मंथ्स है ना, जो रिमेनिंग 8 मंथ्स है उसमें आपको इंटर्नशिप करने में आसानी होती है बिकॉज आप मुंबई में ही रहते हो. तो आप कॉलेज को ना जाकर एक बार के लिए कॉलेज से छुट्टी लेकर भी इंटर्नशिप कर सकते हो. और अगर इंटर्नशिप में इफ दे लाइक योर जॉब, इफ दे लाइक योर वर्क एंड द वे यू आर डूइंग थिंग्स, देन दे कीप यू, फिर वो आपको रख लेते हैं. तो उसको पीपीओ बोलते हैं, इट्स कॉल्ड अ प्री प्लेसमेंट ऑफर. तो इवन इफ आपके कॉलेज में कोई फर्म ना आए, इफ यू आर अ टैलेंटेड स्टूडेंट एंड लुकिंग टू वर्क हार्ड, दिस इज अ गुड प्लेस टू बी. है ना, काफी क्लोज होगा ये आपके उस पर्टिकुलर एरिया से, जो भी फर्म्स वगैरह है वहां से, कॉलेज काफी पास में होगा, तो वो आपके लिए कभी भी इशू नहीं आएगा. तो मेरे को लगता है कि इस पर्सपेक्टिव से आप कंसिडर कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपके सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट हो गए एंड यू वॉन्ट टू लुक फॉर अ न्यू ऑप्शन वेर यू फील कि आप मतलब थोड़ा सा तो क्रेडिबल सा अच्छा सा ऑप्शन हो, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. मतलब फिर आप सोच सकते हो इस बारे में. है ना, इट इज नॉट दी कॉलेज जो आपको एकदम पहली बार में जाना चाहिए कि मतलब नहीं हम तो मतलब एकदम ही मोटिवेटेड है कि बी आर अम्बेडकर जाएंगे, बट इट्स इट्स अ कॉलेज दैट कैन बी सीन एज अ बैकअप. इसकी फीस बहुत कम है, मेन बात ये. गवर्नमेंट कॉलेज ना, इसकी 5 ईयर की फीस अभी तक आई नहीं है, बट इसकी जो इस पे एक 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम भी चलता है. ठीक है, 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम चलता है, उसकी 22,000 रुपये फीस है 3 साल की. ठीक है, 22,000 रुपीज फीस है 3 ईयर्स की. तो फीस का काफी एक तरह से कह सकते हो कि अच्छा सिस्टम है इसमें, यू वोंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी. तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी फीस 50-60 हज़ार रुपये होगी 5 साल की. मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये, मैं ना मे भी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अगर 3 साल की 22 ही है तो 5 साल की उससे ज्यादा नहीं होगी. तो 50-60 K 5 साल की फीस, तो साल की 10,000 रुपये फीस है. तो फीस अगर जिसका एक मेजर कंसर्न है, ऑल्दो मुंबई में रहना थोड़ा एक्सपेंसिव है अपने आप में, लेकिन आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू, यू कुड से ऐसा नहीं बोल सकते इसको कि बहुत महंगा पड़ेगा, बिकॉज आप रहने का खर्चा करोगे बस, बाकी फीस तो नेग्लिजिबल सी है ना, स्कूल से भी कम फीस है. तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू, राइट? और अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो. देयर इज एनीथिंग दैट यू गाइस वांट टू आस्क पर्टिकुलरली अबाउट एमएचसीटी और दिस कॉलेज और एनी अदर कॉलेज, आप मेरे से पूछ लो. एनीथिंग एल्स गाइस दैट यू लाइक टू डिस्कस? नथिंग एल्स?
फॉर्म यार आई थिंक इट इज एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में एक्सपेक्टेड है पक्का, तो 100% तो नहीं बोल सकते कुछ भी, बट वो उसकी चिंता मत करो. मतलब फॉर्म कोई मिस नहीं करता है, जैसे ही आएगा आपको बता देंगे हम लोग ही, तो यू विल डेफिनेटली नॉट मिस दी फॉर्म. तो फॉर्म आएगा तो वो कम से कम आपको 10-12-15 दिन का टाइम देगा ही देगा, है ना. ऐसे नहीं कि आज आ गया सुबह और आज की रात तक भरो, ऐसे कभी भी नहीं होता. सो यू डोंट यू वोंट मिस दी फॉर्म, डोंट वरी अबाउट दैट. अभी प्रिपरेशन पे थोड़ा ध्यान दो, उसको थोड़ा सा है ना स्टे लिटिल वरीड अबाउट दैट, कि प्रिपरेशन अगर नहीं हो रही है तो उसको कैसे आगे बढ़ाना है ना. सो यू कैन चूज द वेरियस बैचेस दैट यू कैन बी अ प्लान ऑफ, दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ, है ना. अकेडमी भी क्रैश कोर्स भी लाएगा आप लोगों के लिए, जो खासकर MHCET वगैरह के लिए, स्लैट के वगैरह के लिए होगा, तो उस क्रैश कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हो. ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम माई एंड. देन थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस एंड आई होप इट वॉज लिटल यूजफुल. इफ यू डोंट गेट दिस शुड बी ड्रॉप फॉर क्लैट और टेक दिस. इसमें यही मैं बोल रहा हूँ ना, इसकी फीस इतनी कम है कि आप एक सेमेस्टर की फीस दोगे शायद 20-25 हज़ार रुपए, तो आप इसको एज अ बैकअप लेके फिर दे सकते हो क्लैट वापस. क्लैट के लिए हमेशा एक होता है कि अच्छा बैकअप है ना, तो हेल्प ही करता है. तो दीज काइंड ऑफ कॉलेजेस कैन बी टेकन एज अ बैकअप फॉर यू, कि अगर इन केस क्लैट तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इन केस कुछ प्रॉब्लम हुई अच्छी प्रिपरेशन के बाद भी, तो आपके पास कुछ ठीक ठाक बैकअप रहेगा. यार पूरे महाराष्ट्र में करीब 80-85% सीट्स रिजर्व रहती है महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन वो 15-20% में ना बहुत सारे अच्छे बच्चे चले जाते हैं. क्योंकि आप देखो क्लैट में एक लेयर तो हट गई है ना, एक लेयर अच्छे बच्चों की हट चुकी है, तो इसलिए अगर आप ठीक से प्रिपेयर करोगे तो आप इसमें पहुंच तो जाओगे फॉर श्योर. 15-20% बहुत अच्छा नंबर हो जाता है, तो उसमें अच्छे बच्चे निकाल लेते हैं. तो अगर आपको लगता है कि क्लैट में आपकी प्रिपरेशन थी बट किसी वजह से नहीं हो पाया, MHCET इज नॉट अ बैड चॉइस टू बी, है ना. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन, बाय, हैव अ गुड डे.